Hello and assalamu alaikum. Welcome back to second lecture of React.js beginner to expert level course. Last episode mein humne seekha what is React.js, what is create React app tool, create React app tool ko use karte hue kaise aap React.js apps bana sakte hain, React.js ke building blocks jaise ki components, state and props. इसके अलावा हमने एक बेसिक ओवरव्यू लिया ES6 का और आखिर में हमने सीखा कि किस तरह हम अपनी JS फाइल्स में स्टाइल्स ऐड कर सकते हैं. जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था लास्ट लेक्चर में उसे मैंने कुछ क्लियर अप कर लिया है. कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स जो बनाए थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं. app.js को मैंने क्लियर करके एक क्लास बना ली है. आप पॉज करके अपने पास भी ये काम कर सकते हैं. एट दिस पॉइंट आपके पास app.js में एक क्लास कंपोनेंट होना चाहिए. ऑलराइट, सो यहाँ पे हम बनाएंगे एक बेसिक सी काउंटर ऐप और उसके थ्रू हम सीखेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स. फॉर स्टार्ट हम अपनी एप्लीकेशन में तीन एलिमेंट्स ऐड करेंगे. एक पी टैग जिसके अंदर हम लिख देंगे काउंटर और इसके अलावा दो बटन्स, एक इंक्रीमेंट और एक डिक्रीमेंट ऑफ काउंटर के लिए. ऐप को रन करते हैं यहाँ से टर्मिनल में जाके. npm start and enter. Here we are, we have a counter, we have increment button, we have decrement button. अब जरा इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग डालते हैं. Let's give it a class name. से क्लास नेम दे देते हैं काउंटर और इन बटन्स को हम थ्रू डिफरेंट प्रॉपर्टीज स्टाइल कर लेंगे. लेट्स गो टू app.css. Let's clear the CSS that's here and write counter. और इसे कर दे आप text align center. Let's give it width of 500 pixels. Margin को auto कर देते हैं. इसके अलावा background color दे देते हैं एश्योर और लाइकवाइज बटन्स को स्टाइल कर लेते हैं. हाइट दे देते हैं 20 पिक्सल्स, विड्थ 100 पिक्सल्स, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फॉन्ट साइज 15px, फॉन्ट कलर हम दे देते हैं ब्लू. अंदर हम दे देते हैं हाइट फॉर एग्जाम्पल 300px. वापस app.js में जाके div पे देते हैं क्लास नेम काउंटर रैपर. गो बैक टू आवर app.css dot counter wrapper and let's give it text align center and move the background color from here to here. Margin दे देते हैं 10px. Height बढ़ा देते हैं 30. Counter को कर देते हैं H1 ताकि ये हो जाए हाईलाइट. एंड दैट्स बेसिकली अबाउट इट. ओके, अब हमें क्योंकि काउंटर का काउंट भी दिखाना है तो यहां पे हम ऐड कर देते हैं एक पी टैग जिसके अंदर हम काउंटर का काउंट दिखाएंगे. बट एट द मोमेंट हमने कोई स्टेट सेट नहीं की हुई जिसमें हम काउंटर का काउंट दिखाएं या सेट कर रही हूँ. सो विल गो टू द कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर में जाके जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया स्टेट सेट करना, दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू, स्टेट का नाम हम रख लेंगे काउंट और उसे इनिशियलाइज करवा देंगे जीरो से. सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर काउंट. And now you can see we have
जीरो है। काउंट को भी थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, लेट्स गिव इट अ क्लास नेम, कॉल इट काउंट एंड लेट्स गो बैक टू एप डॉट सी एस एस। इसमें हम लिखेंगे काउंट और फॉन्ट साइज दे देंगे अबाउट 40 pixels। कलर इसका हम कर देंगे रेड। ओके, वी कैन मेक द फॉन्ट साइज लॉक बिगर, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। काउंटर पे से हम विड्थ और हाइट हटा देते हैं सिंस अब हमने रैपर पे लगा दी है। और ये हमारा बन गया है काउंटर का यूआई। ओके, अब हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा बिकॉज हमने इनके इवेंट्स को हैंडल नहीं किया हुआ, ऑन क्लिक इवेंट को हैंडल नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे इवेंट हैंडलिंग बटन्स पे। सबसे पहले हम लगाएंगे ऑन क्लिक मेथड। अब अगर आपने नॉर्मल एचटीएमएल में कोड किया हुआ है तो उसमें ऑन क्लिक आप कुछ इस तरह से लिखते हैं, बट जेएसएक्स में जैसे कि मैंने आपको क्लास नेम में बताया कि कैमल केस यूज होता है, लाइक वाइज ऑन क्लिक पे भी कैमल केस यूज होता है। कोई भी आप प्रॉपर्टी जो के जेएसएक्स में यूज कर रहे हैं अपने एलिमेंट पे वो कैमल केस में होगी। सो ये ऑन क्लिक का मेथड, और इसके अंदर हम कॉल करेंगे उस मेथड को जो हम चाहते हैं ऑन क्लिक पे कॉल हो। तो एक यहाँ पे मेथड बना लेते हैं, इंक्रीमेंट काउंट इक्वल टू, इसी तरह एक बना लेते हैं डिक्रीमेंट काउंट इंक्रीमेंट काउंट में हम स्टेट को सेट करेंगे प्लस वन करके और डिक्रीमेंट में माइनस वन करके। सो दिस डॉट सेट स्टेट। सो लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा कि आप स्टेट को यूज किस तरह कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे स्टेट को चेंज करना। आप कभी भी स्टेट को म्यूटेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको काउंट चेंज करना है तो आप स्टेट डॉट काउंट इज इक्वल टू टू नहीं कर सकते, इससे आपकी स्टेट म्यूटेट हो जाएगी और आपकी एप्लीकेशन मिसबिहेव करेगी। आपने म्यूटेशन नहीं करनी, और उसका हल ये है कि रिएक्ट जेएस हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम स्टेट को अपडेट कर सकते हैं, एंड दैट इज सेट स्टेट। सेट स्टेट बेसिकली एक मेथड है। इस मेथड में आप अपनी स्टेट का नाम जिसे आपने अपडेट करना है और उसकी वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट सेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसकी वैल्यू वन करनी है तो मैं लिखूंगी काउंट दिस वुड बी माय वैल्यू वन, और ये मेरी स्टेट को अपडेट कर देगा जीरो से, इनिशियल स्टेट से वन पे। हाउएवर इस केस में हमने ये करना है कि हमने अपनी पुरानी स्टेट उठानी है, यानी कि जो लास्ट स्टेट हो हमारी वो उठानी है। फॉर एग्जाम्पल अगर लास्ट हमारा काउंट वन था तो हमने उसमें प्लस वन करके टू करना है, थ्री था प्लस वन करके फोर करना है। तो उसके लिए हम कुछ इस तरह से करेंगे कि एक मेथड कॉल करेंगे जिसमें आ रही होगी स्टेट प्रॉप्स। इस मेथड के अंदर फिर हम, अब हमारे केस में हमें काउंट की प्रीवियस वैल्यू चाहिए और उसमें हमने प्लस वन करना है, तो उसका तरीका कुछ यूं होगा। हम एक मेथड बनाएंगे जिसमें हम रिसीव करेंगे स्टेट को एज अ प्रॉप, और ये मेथड रिटर्न करे स्टेट डॉट काउंट प्लस वन को, और यहां से जो रिटर्न होगा वो यहाँ पे सेट हो जाएगा काउंट में। और बेसिकली ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगा कुछ इस तरीके से। सॉरी, लाइक दैट। अब इसको इस तरीके से करने का मकसद ये था
कि हमारी स्टेट अपडेशन एसिंक्रोनस प्रोसेस होती है। सो जब यहाँ से अगर हम डायरेक्टली दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट करके प्रीवियस काउंट उठाते और फिर उसमें प्लस वन करते, तो हम ये नहीं डिटरमिन कर सकते कि आपके स्टेट डॉट काउंट में आपकी प्रीवियस वैल्यू आ गई है या नहीं, बिकॉज एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन है। तो ये भी हो सकता है कि मे बी मैं दो दफ़ा क्लिक बहुत फास्ट क्लिक करूं दो दफ़ा, और अभी वो मेरी लास्ट क्लिक से स्टेट अपडेट कर ही रहा हो कि मैंने नेक्स्ट क्लिक कर दिया हो, और अब वो पिछली स्टेट जो उठाएगा तो वो अपडेट नहीं हुई भी होगी, तो वो पिछली से पिछली स्टेट उठा के और उसमें प्लस वन कर देगा, और इससे आपकी एप्लीकेशन में इनकंसिस्टेंसी आएगी। तो इसको इंश्योर करवाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक मेथड बना लेते हैं जिसमें स्टेट एज अ प्रॉप लेते हैं और स्टेट डॉट काउंट में प्लस वन करते हैं। इससे यह होगा कि जब आपकी पिछली स्टेट अपडेट हो जाएगी उसके बाद ये मेथड रन होगा। इस मेथड में अब जो स्टेट आएगी वो आपकी सबसे लेटेस्ट स्टेट होगी, उसमें से हम काउंट उठाएंगे और प्लस वन करके और काउंट के अंदर अपडेट करवा देंगे। सो दिस इज हाउ वी विल इंक्रीमेंट आवर काउंट इन द स्टेट। यही काम हम करेंगे डिक्रीमेंट में। लेकिन यहाँ पे माइनस वन, ये हमने बना लिए हैं दो मेथड्स। अब इनको हमने कॉल करना है अपने बटन पे। सो ऑन क्लिक पे हम कॉल करेंगे दिस डॉट इंक्रीमेंट काउंट इंक्रीमेंट बटन के लिए। और आपने नोट करना है कि यहाँ पे मैं कॉल नहीं कर रही अपने मेथड को, बल्कि उसका रेफरेंस पास कर रही हूँ। अगर मैं यूं करूँगी तो मेरा मेथड डायरेक्टली कॉल होगा और एप्लीकेशन जो है वो इन्फिनिट लूप में चली जाएगी, क्योंकि खुद ब खुद ये कॉल हो रहा होगा विदाउट ऑन क्लिक। यहाँ पे स्टेट अपडेट हो रही होगी, फिर रेंडर हो रहा होगा, फिर कॉल होगा, फिर रेंडर होगा, और इस तरह आपकी ऐप क्रैश कर जाएगी। तो आपने यहाँ पे सेंड करना है रेफरेंस ऑफ योर ऑन क्लिक हैंडलर। अब चलते हैं वापस अपनी एप्लीकेशन पे और देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। ऑलराइट, तो ये तो था कॉन्सेप्ट इवेंट हैंडलिंग का। अब चलते हैं लाइफ साइकिल मेथड्स की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे समझना बेहद ज़रूरी है। ये एक डायग्राम है जो कि मैंने रिएक्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से उठाई है, और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट और एक्सप्लेनेटरी है। अगर आप इसमें नोट करें तो हमारे पास तीन फेजेस डिफाइंड है, माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग। माउंटिंग बेसिकली इज द बर्थ ऑफ द कॉम्पोनेंट, अपडेटिंग ग्रोथ ऑफ द कॉम्पोनेंट, अनमाउंटिंग इज द डेथ ऑफ द कॉम्पोनेंट। जब आपका कॉम्पोनेंट डॉम में माउंट होता है तो उस फेज को माउंटिंग कहते हैं। जब वो अपडेट होता है या उसमें लेटेस्ट प्रॉप्स आती हैं और वो री रेंडर होता है वो अपडेटिंग कहलाता है, और जब आपका कॉम्पोनेंट डॉम से हट जाता है तो उसे अनमाउंटिंग कहते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि माउंटिंग फेज में क्या होता है। सबसे पहले आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जिसमें आपकी स्टेट्स आपने इनिशियलाइज करवाई हुई होती है। उसके बाद स्टार्ट होता है रेंडर फेज जिसमें सबसे पहले कॉल होता है गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। ये एक न्यू लाइफ साइकिल मेथड है, और आप समझ लें ये कॉम्पोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स का एक सेफर ऑल्टरनेटिव है। कॉम्पोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स रिएक्ट की पुरानी अपडेट में एक लाइफ साइकिल मेथड था जो कि प्रॉप्स रिसीव करने से पहले कॉल होता था। माउंटिंग फेज में सिंस हमारे पास फर्स्ट टाइम कॉम्पोनेंट रेंडर हो रहा होता है तो वो रिसीव करता है प्रॉप्स और मूव ऑन कर जाता है रेंडर मेथड में। फिर उसके बाद आपका रेंडर मेथड रन होता है, और रेंडर मेथड रन होने के बाद डायरेक्टली आपका कॉम्पोनेंट डॉम में अपडेट होता है, और इस डॉम में अपडेशन के बाद माउंटिंग फेज में जो लाइफ साइकिल मेथड कॉल होता है वो है कॉम्पोनेंट डेड माउंट। ये लाइफ साइकिल ये बताता है कि आपका कॉम्पोनेंट डॉम में माउंट हो चुका है। लेट्स से उसके बाद आपके कॉम्पोनेंट में कोई ऐसी प्रॉप भेजी गई जो कि अपडेट हो रही हो, आपके पास न्यू प्रॉप्स रिसीव हुई, अब आपका कॉम्पोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स या फिर गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स का लाइफ साइकिल मेथड दोबारा कॉल होगा। इस मेथड में आप स्टेट भी सेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द न्यू प्रॉप्स
दैट यू हैव रिसीव्ड और आप फोर्स अपडेट भी करवा सकते हैं. इस मेथड के बाद कॉल होता है शुड कंपोनेंट अपडेट का लाइफ साइकिल मेथड. ये लाइफ साइकिल मेथड बेसिकली ये डिटरमिन करने के लिए यूज होता है कि आपने अपने कंपोनेंट को रीरेंडर करवाना है या नहीं करवाना. इसका यूजेज रेयर है लेकिन मोस्टली इसे यूज किया जाता है फॉर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन. फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास प्रॉप्स और स्टेट अवेलेबल होती हैं, करंट भी और लास्ट भी. सो आप कंपेयर करते हैं लास्ट प्रॉप को करंट प्रॉप्स के साथ और लास्ट स्टेट को करंट स्टेट के साथ और उसके बेसिस पे डिटरमिन करते हैं कि आपने अपने कंपोनेंट को रीरेंडर करना है या नहीं करना. अगर नहीं करना तो आपका कंपोनेंट रेंडर फेज में नहीं जाता, लेकिन अगर आप ट्रू रिटर्न करें तो फिर वो हमेशा रेंडर फेज के अंदर एंटर हो जाता है. जब आपका कंपोनेंट का रेंडर मेथड रन हो जाता है उसके बाद अपडेटिंग फेज में आपका कंपोनेंट आता है गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट लाइफ साइकिल मेथड में. गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट इज बेसिकली कंपोनेंट विल माउंट अल्टरनेटिव. पहले इसका नाम कंपोनेंट विल माउंट था लेकिन लेटेस्ट अपडेट ऑफ रिएक्ट जेएस के साथ इसका नाम हो गया है गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट. इसके बाद आपका कंपोनेंट रिएक्ट में दोबारा से अपडेट होता है और इस अपडेशन के बाद जो कंपोनेंट का लाइफ साइकिल मेथड कॉल होता है वो है कंपोनेंट डिड अपडेट, जो कि बताता है कि आपका कंपोनेंट सक्सेसफुली डॉम में अपडेट हो चुका है. अनमाउंटिंग फेज में बेसिकली जब आपका कंपोनेंट डॉम से निकल जाता है तो कंपोनेंट विल अनमाउंट कॉल होता है. ये तो था एक थ्योरेटिकल ओवरव्यू लाइफ साइकिल मेथड्स का. आइए अब प्रोग्रामेटिकली देखते हैं कुछ कॉमन लाइफ साइकिल मेथड्स को और उन्हें आप कैसे यूज कर सकते हैं. अब ट्राई आउट कर लेते हैं कुछ लाइफ साइकिल मेथड्स. यहां पे मैं लिखूंगी कंपोनेंट विल माउंट, जो कि कॉल होता है कंपोनेंट के माउंट होने से पहले, और यहां पे मैं लिख दूंगी कंसोल डॉट लॉग कंपोनेंट will mount. उसके बाद मैं कॉल करूंगी कंपोनेंट will receive props या फिर इसे हम कह सकते हैं get derived state from props. और ये है स्टैटिक. इसके अंदर मैं लिख दूंगी कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स. इसके बाद मैं कॉल करूंगी कंपोनेंट डिड माउंट को, जिसमें मैं कंसोल करवाऊंगी कंपोनेंट डिड माउंट. इसके बाद मैं कॉल करवाऊंगी शुड कंपोनेंट अपडेट को शुड कंपोनेंट अपडेट. और ये मैंने आपको बताया था कि हमेशा कोई बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, सो अभी हम इसे रिटर्न ट्रू करवा देंगे ताकि हमारा कंपोनेंट हर केस में रीरेंडर हो. फिर उसके बाद मैं कॉल करूंगी गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट और ये मेथड हमारा रिसीव करता है, इसे कॉल करूंगी मैं प्रीवियस स्टेट और ये हो जाएगी प्रीवियस प्रॉप्स. और यहाँ पे हम कंसोल करवा देंगे प्रीवियस प्रॉप्स को
और यहाँ पे हम कंसोल साथ ही करवा देंगे। प्रीवियस स्टेट को कंसोल एक और लगा देंगे जिसमें जिससे पता चले कि गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट इज कॉल्ड। इसके बाद हम कॉल करेंगे कंपोनेंट डिड माउंट को और इसमें कॉल करेंगे कंसोल डॉट लॉग कंपोनेंट डिड माउंट और लास्टली हम कॉल करेंगे कंपोनेंट विल अनमाउंट को कंसोल डॉट लॉग कंपोनेंट विल अनमाउंट। ओके यहाँ पे ये एक हमें वार्निंग दे रहा है, इसलिए ये बेहतर होता है कि आप टर्मिनल खोल के रखें। डिक्लेरेशन में कुछ प्रॉब्लम है इस वाले मेथड की और ये फिक्स हो गया। चलिए चलते हैं और देखते हैं अपनी ऐप के अंदर। तो यहाँ से मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगी, कंसोल के टैब में जाऊँगी, क्लियर कर लेते हैं इसे। और अभी आप देख रहे हैं कंसोल पे कुछ भी नहीं है। मैं पेज रिफ्रेश करूंगी और उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास कंसोल पे क्या क्या आता है। सो इन वार्निंग्स को हटा के अगर आप देखें तो हमारे पास, या फिर यहाँ पे अगर आप खाली इन्फो पे क्लिक करें, कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स, कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स, कंपोनेंट डेड माउंट। सो हमारा फर्स्ट टाइम जब रेंडर हुआ मेथड तो उसे प्रॉप्स रिसीव हुई, उसने कंस्ट्रक्टर में स्टेट को अपडेट किया। एक्चुअली हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पे भी एक कंसोल लगा देते हैं। कि डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स में भी हमारे पास प्रॉप्स आ रही होती हैं। यहाँ पे हम प्रॉप्स को कंसोल करवा लेते हैं। ऑलराइट, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद इसने प्रॉप्स को प्रिंट किया, कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स और फिर कंपोनेंट माउंट हो गया। ये तो था फर्स्ट टाइम। अब हम अपना कंसोल क्लियर करते हैं और क्लिक करते हैं इंक्रीमेंट पे। इंक्रीमेंट से क्या होगा कि हमारे कंपोनेंट की स्टेट अपडेट होगी, तो हमारा कंपोनेंट अपडेटिंग वाले फेज में एंटर हो जाएगा। तो उस फेज में देखते हैं कि कौन कौन से लाइफ साइकिल मेथड्स कॉल होते हैं। कंपोनेंट ने प्रॉप्स रिसीव की, शुड कंपोनेंट अपडेट में गया, प्रीवियस प्रॉप्स उठाई, प्रीवियस स्टेट उठाई, एम्प्टी थी। एक्चुअली यहाँ पे हमने एक ये काम किया है कि ये होती है आपकी प्रीवियस प्रॉप्स और ये होती हैं आपकी प्रीवियस स्टेट। सो अब दोबारा रन करके देखते हैं, कंसोल क्लियर कर देते हैं। इंक्रीमेंट, आपकी प्रीवियस प्रॉप्स एम्प्टी और आपकी प्रीवियस स्टेट में काउंट की वैल्यू जीरो थी जो इसने प्रिंट करवा दी। उसके बाद गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट इज कॉल्ड। अब हम अगर डिक्रीमेंट कॉल करें,
अगेन हमारे कंपोनेंट को प्रॉप्स रिसीव हुई, शुड कंपोनेंट अपडेट कॉल हुआ, प्रीवियस स्टेट में हमारे पास जो स्टेट थी उसे हमने अपडेट किया, और उसके बाद आपका गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट कॉल हो गया। तो ये तो था ओवरव्यू आपको दिखाने के लिए कि कौन से फेज पे कौन से लाइफ साइकिल मेथड्स कॉल होते हैं। अब अगर हम इनको रिमूव कर दें और लेट्स से हम चाहते हैं कि जब आपका कंपोनेंट माउंट हो तो उसके जो भी हमने इनिशियल वैल्यू सेट की हुई है उसमें प्लस 5 हो जाए और वो डिस्प्ले हो। तो लेट्स से मैं कंपोनेंट विल माउंट, कंपोनेंट विल माउंट में हम स्टेट सेट कर सकते हैं, सो दिस डॉट सेट स्टेट का आर्ग्यूमेंट लेंगे और एक मेथड बनाएंगे जिस मेथड के अंदर काउंट को हम स्टेट डॉट काउंट प्लस 5 कर देंगे। अब यहाँ पे एरर जो आ रहा है ये हमने एक एक्स्ट्रा ब्रेसेस लगा लिए और इस तरीके से हम कंपोनेंट विल माउंट में अपने काउंट के अंदर प्लस 5 इंक्रीमेंट कर देंगे। साथ ही हम यहाँ पे कंसोल करवा देते हैं स्टेट में से काउंट को, रिफ्रेश करते हैं। अब अगर आप देखें तो हमारे पास कॉन्स्टेंटली 5 आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने कॉल किया है सेट स्टेट को अपने कंपोनेंट विल माउंट के अंदर। अब यहाँ पे आप नोट कर रहे होंगे कि हमने कंसोल करवाया था दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट पर वो शो कर रहा है 0, जबकि हमने तो काउंट में प्लस 5 कर दिया है। तो यहाँ पे वही बात आती है कि सेट स्टेट का मेथड एसिंक्रोनस होता है, तो जब वो स्टेट सेट कर रहा था मीनवाइल उसने ये कंसोल रन कर दिया, उस वक्त क्योंकि काउंट के अंदर 0 वैल्यू पड़ी हुई थी तो इसने 0 को कॉल कर दिया। अब अगर लेट्स से आप चाहते हैं कि आफ्टर सेटिंग द स्टेट आपका ये कंसोल हो, तो उसका ये तरीका होता है कि सेट स्टेट के अंदर सेकेंड आर्ग्यूमेंट में आप एक और फंक्शन कॉल करते हैं जो कि हमेशा तब कॉल होता है जब आपकी स्टेट सेट हो जाए। तो अगर ये हम मूव करते हैं इसके अंदर तो फिर देखते हैं, अब आप देख रहे हैं कंसोल में हमारे पास 5 आएगा। ये तो था कंपोनेंट विल माउंट। अब अगर हमने शुड कंपोनेंट अपडेट का लाइफ साइकिल मेथड यूज करना है तो हमारे पास शुड कंपोनेंट अपडेट के अंदर आ रही होती है प्रीवियस, नेक्स्ट प्रॉप्स एंड नेक्स्ट स्टेट। ये रिस्की मेथड होता है और बहुत ज्यादा यूज नहीं होता अनलेस कि आपका रेंडर मेथड जो है वो काफी हैवी हो और इन सर्टेन केसेस आप उसकी रेंडरिंग बचाना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं और चेक करते हैं कि आप उस कंडीशन की बेसिस पे चेक करते हैं कि आपने ट्रू रिटर्न करना है या फॉल्स, और उसकी बेसिस पे आपका कंपोनेंट रेंडर होता है या नहीं होता। ये तो यहाँ पे आपको एग्जांपल देने के लिए अगर मैं ये काम करूँ कि एक कंडीशन लगा दूँ इफ नेक्स्ट स्टेट डॉट काउंट इज ग्रेटर देन लेट्स से 25 रिटर्न फॉल्स, यानी मैं नहीं चाहती कि इससे ज्यादा इंक्रीमेंट हो, एल्स आप रिटर्न करवा दें ट्रू। अब देखते हैं यही बिहेवियर
और यहाँ पे लेट्स से मैं इंक्रीमेंट करवा देती हूँ बाय 5 और डिक्रीमेंट भी करवा देती हूँ बाय 5। अब यहाँ पे हम इंक्रीमेंट करवाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि 25 के बाद मैं जितनी दफा भी क्लिक कर रही हूँ वो अपडेट नहीं हो रहा, और इसकी रीजन ये है कि मैंने यहाँ पे रेंडरिंग को स्टॉप किया हुआ है विद शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड। ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल मेथड्स। बाकी मेथड्स जो है वो रेयरली यूज होते हैं, इसलिए उन्हें मैंने कवर नहीं किया, और ये ही ज्यादा यूज होने वाले लाइफ साइकिल मेथड्स हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। सो मैं यहाँ पे अपने app.js को क्लियर करूंगी, जैसे स्टेट और कंसोल्स भी क्लियर कर दूंगी, और रेंडर मेथड में से जेएसएक्स को भी निकाल देते हैं और अपने रिजल्ट कंपोनेंट को भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और app.css में जो हमने css लिखी थी उसे भी डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हमने ऐप के अंदर कुछ प्रॉप भेजी थी वो भी डिलीट कर देते हैं। अब वापस आते हैं app.js में। अब हम एक छोटी सी सर्च एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें एक होगी इनपुट, आप उसमें जो भी लिखेंगे उसके बेसिस पे आपको सजेशन लिस्ट जो है वो शो हो जाएगी बेस्ड ऑन वट एवर इज रिटन इन द इनपुट फील्ड। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक न्यू फाइल जिसका नाम हम रख देंगे सर्चेबल लिस्ट डॉट जे एस। इस फाइल के अंदर हम बनाएंगे एक फंक्शनल कॉम्पोनेंट। बेसिकली ये सर्चेबल लिस्ट हमारा रूट कंपोनेंट होगा। सो बेसिकली यहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास एक सर्च इनपुट होगी और इसके अलावा एक लिस्ट होगी, तो हम हाइपोथेटिकल दो कंपोनेंट्स बना लेते हैं और फिर आगे जाके हम उन दोनों कंपोनेंट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। एक कंपोनेंट हो जाएगा सर्च और एक कंपोनेंट हो जाएगा सर्च लिस्ट। सिंस हमने मेंशन किया कि हम अपनी सर्चेबल लिस्ट को एज रूट कंपोनेंट लेके चलेंगे, सो हम डिलीट कर देंगे ऐप कंपोनेंट और app.css, और index.js में जहाँ पे हमने रूट कंपोनेंट ऐप दिया हुआ था वहाँ पे हम सर्चेबल लिस्ट को इंपोर्ट करवा के रेंडर करवा देंगे। अब हम वापस सर्चेबल लिस्ट कंपोनेंट में जाएंगे और जो हमने दो कंपोनेंट्स बनाए थे उनको क्रिएट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट करेंगे सर्च डॉट js को जिसमें हमारी इनपुट फील्ड होगी। इसको हम बनाएंगे एक क्लास कंपोनेंट। इसके अंदर हम डिस्ट्रक्चर करवाएंगे चिल्ड्रन की प्रॉप को। चिल्ड्रन में बेसिकली हम सेंड करेंगे इनपुट फील्ड का लेबल कह सकते हैं आप, या जो भी हमने टेक्स्ट शो करना होगा इनपुट फील्ड के साथ वो हम एज चिल्ड्रन प्रॉपर्टी इसमें सेंड करेंगे, और रिटर्न के अंदर हम एक इनपुट एलिमेंट बना लेंगे जिसके अंदर हम अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम चिल्ड्रन की प्रॉप को भी रेंडर करवा लेंगे। इनपुट फील्ड में हम टाइप देंगे टेक्स्ट और साथ ही एक प्लेस होल्डर रख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है क्योंकि हमने अपने दोनों एलिमेंट्स को किसी चीज़ में इनरैप नहीं किया, तो यहाँ पे हम इसे इनरैप करेंगे फ्रेगमेंट से। फ्रेगमेंट्स आर बेसिकली न्यू कॉम्पोनेंट्स प्रोवाइडेड बाई लेटेस्ट वर्जन ऑफ रिएक्ट, और इसके थ्रू हम एक ऐसे कॉम्पोनेंट के अंदर अपने एलिमेंट्स को रैप कर सकते हैं जो कि डोम में एग्जिस्ट नहीं करता, अनलाइक डिव जो हम पहले करते थे, और इससे हमारे डोम में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स क्रिएट नहीं होते। फ्रेगमेंट्स को आप शॉर्ट नोटेशन में भी लिख सकते हैं जैसे कि मैंने लिखा है, और इसी तरह आप इस तरह के नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप एम्प्टी एरोज के अंदर फ्रेगमेंट का कीवर्ड लिखें, और इसी तरह इन क्लोजिंग एरोज के अंदर भी फ्रेगमेंट का कीवर्ड लिखें और वो इसी के इक्वल होगा। अब यहाँ पे हम एक हैंडलर ऐड करेंगे फॉर एवरी टाइम यूजर एंटर समथिंग इन द इनपुट फील्ड। जब भी वो कुछ एंटर करेगा तो ये हैंडलर रन होगा। इसका नाम हम रख लेते हैं हैंडल इनपुट चेंज, और ये ऑन चेंज के इवेंट पे कॉल होगा। अब हम इस हैंडलर के मेथड को क्रिएट कर लेंगे जो कि रिसीव करेगा वैल्यू जो कि आ रही होगी हमारे इनपुट फील्ड से, और इस वैल्यू को हम सेट करवा देंगे अपनी स्टेट में। स्टेट का नाम रख लेते हैं सर्च वर्ड, जो कि इक्वल हो जाएगी इस वैल्यू के। अब इस सर्च वर्ड स्टेट को हम अपने कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करवा देते हैं। इनिशियलाइज हम इसे एम्प्टी स्ट्रिंग से करवा लेते हैं। अब हम कॉम्पोनेंट को एक्सपोर्ट करवा लेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सर्च, और इसे इंपोर्ट करवा लेंगे सर्चेबल लिस्ट में। अब हम सर्च कंपोनेंट के अंदर लेबल जो हमने इनपुट फील्ड के साथ शो करवाना है वो सेंड करेंगे।
अब हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रख देंगे searchlist.js। सर्च लिस्ट को हम बनाएंगे एक फंक्शनल कंपोनेंट। यहाँ पे हम प्रॉप्स की जगह डिस्ट्रक्चर करके लिख देंगे जो हमने लिस्ट की प्रॉप भेजनी है वो, क्योंकि ये लिस्ट का कंपोनेंट है तो इसमें प्रॉप लिस्ट आ रही होगी। रिटर्न हम करवाएंगे इसी लिस्ट पे मैप करके, मैप फंक्शन हमने ES6 में देखा था। और ये बेसिकली ये मैप फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा कुछ एलिमेंट्स जो कि हमारी लिस्ट के आइटम्स होंगे। अब ये आइटम्स इंट्रैप्ट होंगे किसी HTML एलिमेंट में जो कि मैंने एक UL एलिमेंट बना लिया है, उसके अंदर मैं अपनी इस लिस्ट को रख दूंगी और इसके अंदर सारे आइटम्स आ जाएंगे जो मैंने डिस्प्ले करने हैं। अभी हमने लिस्ट सेंड नहीं करवाई सर्च लिस्ट के इस कंपोनेंट के अंदर। अब हम सर्च लिस्ट को एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे जो मैंने आइटम डॉट नेम लिखा है ये हाइपोथेटिकली लिखा है। अब हम सर्चेबल लिस्ट के अंदर जाएंगे और इंपोर्ट करेंगे सर्च लिस्ट के कंपोनेंट को और इसके अंदर भिजवा देंगे एक प्रॉप लिस्ट की। फिलहाल ये लिस्ट एम्प्टी ही भेजेंगे हम और इन दोनों एलिमेंट्स को रैप कर देंगे हम फ्रैगमेंट के कंपोनेंट के अंदर। उसके बाद हम सर्चेबल लिस्ट को एक्सपोर्ट करवा देंगे। ये लिस्ट हम पॉपुलेट करेंगे अपने स्टेट के अंदर और इनिशियली हम इसमें कुछ नेम्स डाल देंगे जो कि सर्चेबल होंगे या सर्च लिस्ट में शो होंगे और एक एरे बना देंगे और वो एरे हम जो है अपनी स्टेट में सेव करवा लेंगे और फिर फर्दर उस स्टेट को हम आगे सेंड करेंगे सर्च लिस्ट को। सो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने फंक्शनल कंपोनेंट को क्लास कंपोनेंट में चेंज करें। फर्स्ट की जगह क्लास का कीवर्ड आ जाएगा और इसे हम एक्सटेंड करवा देंगे कंपोनेंट से जो कि इंपोर्ट हो रहा है रिएक्ट पैकेज से। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए हम उसमें सेंड करेंगे प्रॉप्स, सुपर का मेथड कॉल करेंगे जिसके आर्ग्यूमेंट्स में जाएगा प्रॉप्स और उसके बाद हम अपनी स्टेट डिफाइन करेंगे दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू और हम अपनी स्टेट का नाम रख लेंगे सर्च लिस्ट जो कि एक एरे के फॉर्म में होगी और इस एरे में हम सेव करवा देंगे वो सारे वर्ड्स जो कि हम अपनी लिस्ट में शो करवाना चाहते हैं। हमने एक रैंडम लिस्ट सेव करवा दी है अपनी स्टेट में। अब हम बनाएंगे रैंडम मेथड और उसमें कॉपी पेस्ट कर देंगे जो हमारी रिटर्न स्टेटमेंट थी फंक्शनल कंपोनेंट में, एम्प्टी लिस्ट के बजाय सेंड कर देंगे दिस डॉट स्टेट डॉट सर्च लिस्ट। और अब हम जाएंगे सर्च लिस्ट के कंपोनेंट में और वहाँ पे कॉन्स्ट की जगह डिफॉल्ट लिख देंगे और आइटम डॉट नेम की जगह आइटम लिख देंगे। और अब हम जाएंगे टर्मिनल में और लिखेंगे npm start enter। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एरर, हमने इक्वल की जगह लगाना है कॉलन। और अब रन करके देखते हैं, आप देख सकते हैं हमारे पास इनपुट फील्ड भी आ रही है, कीवर्ड भी आ रहा है और लिस्ट के आइटम्स भी सारे शो हो रहे हैं। अब हम कुछ स्टाइलिंग दे देते हैं, फ्रैगमेंट को कन्वर्ट करेंगे डिव में और इसको एक क्लास नेम दे देते हैं लिस्ट रैपर का। लिस्ट रैपर का एल हम स्मॉल कर देंगे क्योंकि बाय कन्वेंशन क्लास नेम स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। एक फाइल क्रिएट करेंगे सर्चेबल लिस्ट डॉट css जिसमें हम अपनी सारी css लिखेंगे और फिर उसे फर्दर आगे फाइल्स में इम्पोर्ट करवाएंगे। अब हम सर्चेबल लिस्ट में इस फाइल को इम्पोर्ट करवाएंगे। यहाँ पे हम ऐड करेंगे डॉट css। अब हम css फाइल में जाएंगे और पेस्ट कर देंगे कुछ कस्टम स्टाइल्स जो मैंने तैयार करके रखे हैं लिस्ट रैपर लिस्ट और li एलिमेंट के। अब हम जाएंगे सर्च लिस्ट एलिमेंट में और इम्पोर्ट करेंगे अपनी css फाइल को
जहाँ पे मैंने ये क्लास नेम डिफाइन किया हुआ है लिस्ट, जिसका स्टाइल मैंने सीएसएस फाइल में। सो अब तक आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सिंपल सा इंटरफेस तैयार हो गया है सर्च लिस्ट का। इस सर्च लिस्ट में हमारे पास लिस्ट के आइटम्स भी सारे शो हो रहे हैं और इनपुट फील्ड भी है। अब इसमें हम डालेंगे मेन फंक्शनैलिटी, यानी कि जब आप कोई वर्ड लिखें तो उससे रिलेटेड फिल्टर हो के आपके पास लिस्ट ऑफ वर्ड्स शो हो जाए। उसके लिए हम वापस जाएंगे अपने कोड। यहाँ पे हम सीखेंगे लिफ्टिंग स्टेट अप के कॉन्सेप्ट को। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर दो सिबलिंग्स जो है एक ही स्टेट यूज़ करना चाह रही हो, तो हम सिबलिंग से स्टेट उठा के एक पेरेंट कंपोनेंट बनाते हैं और उस पेरेंट कंपोनेंट में हम वो स्टेट सेट कर देते हैं, ताकि वो स्टेट दोनों चिल्ड्रन को अवेलेबल हो जाए और दोनों सिबलिंग्स उसे साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकें। सो हमारे अपने केस में अगर हम देखें तो हमारे पास सर्च कीवर्ड जो है वो सर्च डॉट जे एस के अंदर हमने स्टेट में सेट किया हुआ है, जबकि अब हम देख रहे हैं कि सर्च लिस्ट को भी सर्च कीवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बेस्ड ऑन दैट कीवर्ड जो है वो फिल्टर आउट करेगा कि उसने कौन सी वर्ड्स दिखाने लिस्ट में से और कौन से नहीं दिखाने। सो यहाँ पे हम लिफ्टिंग स्टेट अप का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं कोड में। अब हम सर्च डॉट जे एस से सर्च वर्ड की स्टेट कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे सर्च सर्चेबल लिस्ट के कंपोनेंट की स्टेट के कंस्ट्रक्टर के अंदर, और इस कंपोनेंट को हम बना देंगे वापस से फंक्शनल कंपोनेंट, क्योंकि इसके अंदर जो हमने हैंडलर डिफाइन किया हुआ है वो भी हम कॉपी कर देंगे सर्चेबल लिस्ट के अंदर। सर्च कंपोनेंट के अंदर हम सेंड करेंगे अपना ये हैंडलर एज अ प्रॉप, सर्च डॉट जे एस से क्लियर अप कर देंगे। इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम एक फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। यहाँ पे प्रॉप्स में हम गेट करेंगे चिल्ड्रन और अपने हैंडलर को थ्रू डीस्ट्रक्चरिंग। और यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे अपनी जे एस एक्स जो हमने पहले से डिफाइन की थी। यहाँ पे हम एरो ऐड करेंगे। इसके बाद हम अपने हैंडलर को जो हम प्रॉप से गेट करेंगे प्रॉपरली ऑन चेंज के इवेंट के अंदर पास करवा देंगे। सर्च लिस्ट कंपोनेंट को कंडीशनली रेंडर करवाएंगे बेस्ड ऑन द कंडीशन के जब हमारे पास सर्च वर्ड एग्जिस्ट करता हो सिर्फ तब हमारी लिस्ट शो हो, अदरवाइज लिस्ट ना शो हो। तो आप देख सकते हैं हमारी लिस्ट हिडन है, क्योंकि कोई सर्च वर्ड इनपुट फील्ड में नहीं है। अब आप देख सकते हैं मैं लिस्ट में ए लिखूं तो हमारे पास लिस्ट शो हो जाती है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि मैं कुछ भी लिख रही हूँ तो हमारी पूरी लिस्ट एज इट इज शो हो रही है, इंस्टेड के वो सिर्फ उन वर्ड्स को फिल्टर करे जो कि मेरी इनपुट फील्ड में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये काम करवाने के लिए हम जाएंगे सर्च डॉट जे एस में और वहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट पास करेंगे अपनी इनपुट फील्ड को, जिसमें हम वैल्यू देंगे उस स्टेट की जो कि हम एज प्रॉप सेंड करवा रहे होंगे फ्रॉम सर्चेबल लिस्ट टू सर्च डॉट जे एस। तो जहाँ पे हमने डिस्ट्रक्चर किए हैं प्रॉप्स, वहाँ पे हम एक और प्रॉप गेट करवा लेते हैं सर्च की के नाम से, और इसको सेंड कर देते हैं वैल्यू एट्रीब्यूट में। सर्चेबल लिस्ट में जाके अब हम यही प्रॉप पास कर देते हैं सर्च कंपोनेंट के अंदर, और इसके अंदर हम पास करेंगे स्टेट में जो हमने सर्च वर्ड सेव करवाया हुआ है। सर्च वर्ड को हम रीस्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से गेट कर लेंगे फ्रॉम दिस डॉट स्टेट। साथ ही अब आप नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने न्यू सर्च लिस्ट भी एक वेरिएबल है जो स्टेट से डिस्ट्रक्चर करवाया है। बेसिकली ये स्टेट मैं सेट करवा रही हूँ अपने हैंडलर में, जो कि मेरा ऑन चेंज हैंडलर है, और मैं कर क्या रही हूँ कि मैं अपनी सर्च लिस्ट उठा रही हूँ स्टेट में से और उसमें से फ़िल्टर आउट कर रही हूँ वो वर्ड्स जो कि सर्च कीवर्ड से स्टार्ट होते हूँ। सो आइटम डॉट स्टार्ट विद में मैं लिख रही हूँ अपने करंट वर्ड का नाम या सर्च वर्ड का नाम, और उसके बेसिस पे फ़िल्टर आउट होके
न्यू सर्च लिस्ट बना रहा है जो कि मैं सेंड कर रही हूँ फिर फर्दर अपनी सर्च लिस्ट के कॉम्पोनेंट को। अब हम वापस ब्राउज़र में जाके चेक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने ए लिखा तो खाली वो वर्ड शो हुए जो ए से स्टार्ट होते हैं, ए पी से वो वर्ड शो हुए जो कि ए पी जिन में आता है। सो हमारी लिस्ट अब प्रॉपरली फंक्शन कर रही है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉप टाइप्स। बेसिकली ये एक तरीका है टाइप चेकिंग का। जावास्क्रिप्ट हमें कुछ एक्सटेंशंस प्रोवाइड करता है जैसे कि फ्लो हो गया या टाइपस्क्रिप्ट हो गया जिसके थ्रू हम टाइप चेकिंग करवा सकते हैं, लेकिन रिएक्ट में हम प्रॉप टाइप्स के थ्रू भी टाइप चेकिंग करवा सकते हैं। टाइप चेकिंग बेसिकली एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी हम प्रॉप्स किसी कॉम्पोनेंट के अंदर भेज रहे हैं उनकी वही टाइप हो जिस टाइप के प्रॉप्स हमें चाहिए। ये मैंने रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन का एक लिंक खोला हुआ है जिसमें उन्होंने थॉरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम प्रॉप टाइप्स किस तरह यूज़ कर सकते हैं और हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स अवेलेबल हैं। ऑलमोस्ट सारी टाइप्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं और हम इस प्रॉप टाइप्स के थ्रू चेक करवा सकते हैं। तो आए विद एन एग्जाम्पल हम ये चीज़ करके देखते हैं अपने कोड में। सो सर्च के कॉम्पोनेंट में हम तीन प्रॉप्स सेंड करवा रहे हैं, चिल्ड्रन और एक हमारा हैंडलर है और एक सर्च की है। सबसे पहले हम इंपोर्ट करवाएंगे प्रॉप टाइप्स के पैकेज को। ये बिल्ट इन पैकेज है, हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, रिएक्ट के साथ आता है। और राइट बिफोर एक्सपोर्टिंग द कॉम्पोनेंट हम लिखेंगे सर्च डॉट प्रॉप टाइप्स इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर फिर हम प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देंगे। हमारी प्रॉप का नाम जो है हमारी की होगी और उसकी वैल्यू जो है प्रॉप टाइप्स डॉट टाइप होगी। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन नोड है तो प्रॉप टाइप्स डॉट नोड, ऑन इनपुट चेन जो है वो प्रॉप टाइप्स डॉट फंक हो जाएगा बिकॉज इट्स अ फंक्शन, और सर्च की स्ट्रिंग है तो प्रॉप टाइप डॉट स्ट्रिंग। इस तरह से हमने तीनों प्रॉप्स की टाइप्स को डिफाइन कर दिया। अब हम अपने सर्च लिस्ट के कॉम्पोनेंट के अंदर भी यही काम करेंगे और प्रॉप टाइप सेट करेंगे। सर्च लिस्ट के कॉम्पोनेंट में हम सेंड कर रहे हैं लिस्ट जिसकी टाइप होगी एरे, तो हम लिखेंगे लिस्ट और उसके आगे प्रॉप टाइप्स डॉट एरे। क्लास का नाम चेंज कर लेंगे फ्रॉम सर्च टू सर्च लिस्ट, एंड दैट वाज ऑल अबाउट प्रॉप टाइप्स। अब हम देखेंगे एरे बाउंड्रीज को। एरे बाउंड्रीज को हम देखेंगे रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से। एरे बाउंड्रीज बेसिकली ये रिएक्ट के न्यूअर वर्जन में कुछ ऐसे कॉम्पोनेंट्स रिएक्ट ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं जिनके अंदर आप अपने रिएक्ट के कॉम्पोनेंट्स को रैप कर सकते हैं, और उन कॉम्पोनेंट्स के अंदर कोई भी ब्रेकेज हो, कोई भी एरर आए, तो ये एरर बाउंड्रीज उन्हें कैच कर लेती हैं। सो बेसिकली ये एक ट्राई कैच सा सिस्टम है बट ओनली वर्क्स फॉर कॉम्पोनेंट्स। यहाँ पे देख लेते हैं एक नोट इन्होंने लिखा हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विच सेज एरर बाउंड्रीज डू नॉट कैच एरर्स फॉर इवेंट हैंडलर्स। इवेंट हैंडलर्स के कोई भी एरर्स जो हैं वो आपको ट्राई कैच से ही करने होंगे हैंडल। एसिंक्रोनस कोड को भी आपको ट्राई कैच से ही हैंडल करना होगा। इसके अलावा सर्वर साइड रेंडरिंग और एरर्स थ्रोन इन एरर बाउंड्री इट्सेल्फ रादर देन इट्स चिल्ड्रन, ये चार टाइप्स हैं जिनमें जो कि एरर बाउंड्री का कॉम्पोनेंट नहीं कैच करता। इसके अलावा जो भी रैप्ड होता है इस एरर बाउंड्री के कॉम्पोनेंट के अंदर वो सब कुछ ये एरर बाउंड्री कैच कर लेती है। अब यहाँ पे इन्होंने एक आप नीचे जाके देखें तो लाइव डेमो दिया हुआ है, एक कोड पेन एग्जांपल है। मैं आप लोगों को इनकरेज करूँगी कि आप लोग भी इस लिंक को खोलें और इस लिंक को अच्छे से स्टडी करें, और मैं भी आपको एक जनरल ओवरव्यू दे देती हूँ। सो दिस इज़ अ प्रोग्राम जिसमें हमारे पास एक एरर बाउंड्री का कॉम्पोनेंट है, इसके अलावा एक रैंडम कॉम्पोनेंट है बगी काउंटर का, और एक कॉम्पोनेंट है ऐप का जो कि यूज़ कर रहा है एरर बाउंड्री और बगी काउंटर को। सो बेसिकली ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास काउंटर्स हैं, और ये प्रोग्राम ऐसे डिज़ाइन हुआ हुआ है कि जब आप इन काउंटर्स पे क्लिक करें और ये काउंटर्स मैक्सिमम 5 तक पहुँच जाए तो उसके बाद ये एरर थ्रो कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कोड में देखें तो ऐप डॉट जे एस के रिटर्न मेथड में एक जगह पे तो हमने एरर बाउंड्री का कॉम्पोनेंट के अंदर दो बगी काउंटर्स के कॉम्पोनेंट रखे हुए हैं, और एक जगह पे हमने
दोनों कंपोनेंट्स को अलग अलग एरर बाउंड्रीज में रखा हुआ है। सो एक चीज जो यहाँ पे देखने वाली है वो तो ये कि एरर बाउंड्री के अंदर आपके आप अगर लेट से चार कंपोनेंट्स रखेंगे और उसमें से कोई एक ब्रेक हो गया तो वो सबको रीसेट कर देगा, सबको एरर बाउंड्री वाला कंपोनेंट जो है रिप्लेस कर देगा। और अगर आप हर कंपोनेंट को डिफरेंट एरर बाउंड्री में रखेंगे तो जो कंपोनेंट क्रैश होगा सिर्फ उसी को रिप्लेस करेगा एरर बाउंड्री और दूसरा वाला एज इट इज काम करता रहेगा। तो इसको हम यूआई पे भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट मी रिफ्रेश। फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर वाला केस वो है जिसमें दोनों बगी काउंटर्स एक एरर बाउंड्री में, और नीचे वाला वो केस है जिसमें दोनों एरर बाउंड्रीज जो है अलग अलग, दोनों कंपोनेंट्स जो है वो अलग अलग एरर बाउंड्रीज में। तो मैं ऊपर वाले में क्लिक करके ओके फाइव जैसे ही आया मेरे दोनों कंपोनेंट्स गायब और उनकी जगह एरर बाउंड्री कंपोनेंट शो हो रहा है। ये एरर बाउंड्री का कंपोनेंट है जो कि यहाँ पे प्रोग्राम हुआ हुआ है और ये रिटर्न करता है समथिंग वेंट रॉन्ग, और आगे ये एरर इन्फो और कंपोनेंट स्टैक रिटर्न कर देता है। अब अगर नीचे वाला एग्जाम्पल देखें 2, 3, 4, 5 और सिर्फ यही क्रैश हुआ, ऊपर वाला एज इट इज काम कर रहा है। तो इस एग्जाम्पल को आप जरूर जाके देखें, ये रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में एरर बाउंड्रीज के अंदर आपको मिल जाएगी। सो दैट वॉज ऑल अबाउट एरर बाउंड्रीज। अब हम बात करेंगे हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स के बारे में। हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स को HOC भी कहा जाता है, और इस तरह के कंपोनेंट्स में होता ये है, लेट्स से आपके पास दो सिमिलर लुकिंग कंपोनेंट्स हों जिनकी लेट्स से मैकेनिज्म दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर हो, लेकिन बीच में कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर दो कंपोनेंट्स हैं जिसमें डेटा फेचिंग हो रही है तो वो एक जो है किसी और URL से डेटा ला रहे हैं और एक किसी और URL से ला रहे हैं, और बाकी सारी फंक्शनैलिटी सेम है। फॉर एग्जांपल रेंडर सेम चीज़ें करवा रहे हैं वो लोग, सेम स्ट्रक्चर में करवा रहे हैं, तो इट ओनली मेक्स मोर सेंस कि आप उन दोनों को मर्ज करके और एक ऐसा कॉमन कॉम्पोनेंट बना लें जिसके आर्ग्यूमेंट्स में अगर एक और कॉम्पोनेंट सेंड किया जाए तो वो सिमिलर लुकिंग कॉम्पोनेंट को वापस आपको रिटर्न करवा दें जो कि आप रेंडर करवा दें। तो बेसिकली हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आर्ग्यूमेंट में एक कंपोनेंट रिसीव करते हैं और वापस भी एक कंपोनेंट ही रिटर्न करते हैं। और इस हायर ऑर्डर कंपोनेंट के अंदर मे बी आपकी प्रॉप्स की ट्रांसलेशन हो रही हो या कोई एडिशनल प्रॉप्स ऐड हो रही हो। बेसिकली हायर ऑर्डर कंपोनेंट आपने जो आर्ग्यूमेंट में कंपोनेंट भेजा होता है उसे चेंज नहीं करता, उसमें मे बी वो कुछ एडिशन कर दे, मे बी कुछ उसकी प्रॉप्स को ट्रांसलेट कर दे, कुछ एडिशनल प्रॉप्स ऐड कर दे, बट वो ओरिजिनल कंपोनेंट को चेंज नहीं करता। सो दिस इज हायर ऑर्डर कंपोनेंट। अब चलते हैं कोड की तरफ और एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिससे आपको हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स समझ आ जाएंगे। तो हम अपने स्क्वायर वन से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास एक ऐप कंपोनेंट है जो कि इस वक्त एम्प्टी है, और लेट्स से हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाती हूँ कंपोनेंट्स के नाम से, और उसके अंदर मैं एक फाइल बना देती हूँ बटन डॉट js, और इसको मैं बटन एक फंक्शनल कंपोनेंट बना देती हूँ जो कि मुझे रिटर्न करके देगा एक सिंपल बटन। इसमें रैंडम टेक्स्ट डाल देते हैं और इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करवा देते हैं। अब हम app.js में जाते हैं और अपने बटन को इंपोर्ट करवाते हैं। इंपोर्ट बटन फ्रॉम
कंपोनेंट्स बटन, और यहाँ पे हम अपने बटन कंपोनेंट को इंपोर्ट करवा देते हैं। अब हम अपने ऐप को रन करते हैं। और मेरे पास एक बटन आ गया। अब इस पे हम थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड करते हैं। बटन डॉट जेएस में जाएंगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं स्टाइल का, और ये हमारा एक स्टाइल का ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस स्टाइल को हम इस बटन पे अप्लाई कर देते हैं। इसके अलावा हम इसे कर देते हैं स्टाइल डॉट डिफॉल्ट। ये हमारे पास एक बटन आ गया। विड्थ हम इसको दे देते हैं 100 पिक्सल्स। मार्जिन को कर देते हैं 50%। ये हमारे पास एक बटन आ गया है। लेकिन इस पे बैकग्राउंड कलर और ओके, यहां पे हम ग्रीन और व्हाइट को स्ट्रिंग्स में लिख देंगे। नाउ वी हैव अ बटन। ओके, अब लेट्स से हम इस बटन के अंदर कोई एक प्रॉप भिजवाना चाहते हैं, लेट्स कॉल इट डिसेबल्ड, और उसकी बेसिस पे हम डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं। सो डिसेबल्ड स्टाइल्स वुड ऐड अ बैकग्राउंड कलर ऑफ ग्रे, or again this would be inside a string, and color of text would remain white. So that's all the change that we want. Ab hum yahan pe kya karenge ki hum ek aur variable bana lenge button styles ke naam se, aur uske andar spread karwa denge स्टाइल डॉट डिफॉल्ट को, उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ प्रॉप्स डॉट डिसेबल्ड, एक्चुअली इसे कॉन्स्टेंट लेट रखेंगे क्योंकि इसमें हमें ऑल्टरेशन करनी है, और बटन स्टाइल्स के अंदर हम स्प्रेड करेंगे अगेन बटन स्टाइल्स और स्टाइल डॉट डिसेबल को। तो इससे क्या होगा कि ये जो बटन स्टाइल्स हैं इन पे ऐड हो जाएंगे स्टाइल्स डॉट डिसेबल, और सॉर्ट ऑफ ये बैकग्राउंड कलर जो है ग्रीन से ग्रे ओवरराइट हो जाएगा। बेसिकली ये हमने ES6 में स्प्रेड देखा था विद एरे, सो दिस इज व्हाट वी कैन डू विद ऑब्जेक्ट्स एज वेल। इससे हमारे ओरिजिनल स्टाइल्स जो हैं वो एज इट इज रहेंगे, म्यूटेट नहीं होंगे। हमने एक न्यू ऑब्जेक्ट बना लिया है स्प्रेड करके, जिसमें पहले हमारे पास डिफॉल्ट प्रॉप्स आएंगी, और अगर प्रॉप डिफॉल्ट स्टाइल्स आएंगे, और अगर हमारे पास प्रॉप्स में डिसेबल्ड प्रॉप एग्जिस्ट करती है तो फिर इन्हीं स्टाइल्स में हम डिसेबल्ड के भी स्टाइल्स ऐड कर देंगे। सो नाउ यहाँ पे जो स्टाइल्स अप्लाई होंगे वो होंगे बटन स्टाइल्स। अब आप देख सकते हैं कि हमारा बटन
डिसेबल हो गया। अब लेट्स से हमारे पास एक और बटन है जो कि इसी तरह डिसेबल प्रॉप भिजवाने पे अपने कुछ स्टाइल्स चेंज करना चाहता है, तो इट डजंट मेक सेंस कि हम एक और बटन बनाएं और उसमें भी यही सारी लॉजिक डालें। तो ये काम करने के लिए हम एक न्यू HOC बनाएंगे या हायर ऑर्डर कंपोनेंट बनाएंगे जिसमें बेसिकली ये स्टाइल्स की मैनिपुलेशन हो रही होगी बेस्ड ऑन द प्रॉप, और उसको रिसीव हो रहा होगा एक कंपोनेंट, और जो रिटर्न कंपोनेंट होगा वो होगा विद न्यू स्टाइल्स। तो यहाँ पे एक और फोल्डर बना लेते हैं HOC के नाम से, इस पर एक न्यू फाइल बनाते हैं और उसे कह देते हैं स्टाइल रैपर, और स्टाइल रैपर हमारी एक फंक्शनल कंपोनेंट इसे हम बना सकते हैं। इसको हम कह देते हैं कॉन्स्ट स्टाइल रैपर, ये लेगा एक रैप्ड कंपोनेंट, रैप्ड कंपोनेंट, और रिटर्न करेगा एक और कंपोनेंट को। अब यहां पे हम एक और फंक्शन बना लेते हैं और इसे कह देते हैं स्टाइल्स ट्रांसफॉर्मर, और इसके अंदर कॉपी कर लेते हैं हम अपने स्टाइल्स को। और यहाँ पे जो भी हमने मैनिपुलेशन की है उसको अब ये फंक्शन हमारा रिसीव करेगा कुछ प्रॉप्स, और यहाँ पे हम चेक करेंगे प्रॉप्स डॉट डिसेबल्ड, अगर डिसेबल्ड है तो वो स्टाइल्स डॉट डिसेबल्ड उठा लेगा। और ये काम तो हो गया, इसके अलावा इसने जो प्रॉप्स रिटर्न करनी है वो होंगी न्यू प्रॉप्स जिसमें हम स्प्रेड करवाएंगे प्रॉप्स को, और एडिशनली स्टाइल की प्रॉप जो कि गेट करी होगी बटन स्टाइल्स को, और ये रिटर्न हो जाएंगी न्यू प्रॉप्स। अब यहाँ पे हम और हम इसे बनाएंगे एक फंक्शनल कंपोनेंट, और इस फंक्शनल कंपोनेंट को जो प्रॉप्स मिल रही होंगी यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे रैप्ड कंपोनेंट को जो के अपनी आर्ग्यूमेंट्स में ले रहा होगा स्टाइल ट्रांसफॉर्मर से रिटर्न की गई प्रॉप्स को। और यहाँ पे हम एक्सपोर्ट करवा देंगे अपने स्टाइल्स रैपर के कंपोनेंट को। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि ये आर्ग्यूमेंट में ले रहा है एक रैप्ड कंपोनेंट यानी एक कंपोनेंट, और रिटर्न कर रहा है एक न्यू कंपोनेंट, और ये जो न्यू कंपोनेंट रिटर्न हो रहा है ये बेसिकली वही कंपोनेंट है जो हमारे फर्स्ट टाइम आर्ग्यूमेंट में पास हुआ था, और इसके अंदर जो प्रॉप्स जा रही हैं वो प्रॉप्स हैं जो कि ये फंक्शन स्टाइल ट्रांसफॉर्मर रिटर्न कर रहा है, और इन न्यू प्रॉप्स के अंदर आपके न्यू स्टाइल्स अपेंड हो रहे हैं आपकी करंट प्रॉप्स के अंदर। सो अब जाते हैं बटन डॉट जेएस के अंदर,
यहाँ पे कुछ करते हैं alterations, और यहाँ पे कॉल करते हैं अपने स्टाइल रैपर HOC को. और जहां पे हम एक्सपोर्ट करवा रहे हैं वहां पे हम लिखेंगे स्टाइल रैपर, और उसके आर्ग्यूमेंट में हमारा ये वाला कंपोनेंट चला जाएगा. अब हम जाके देखते हैं बटन डॉट जे एस में स्टाइल रैपर के अंदर 924 पे क्या एरर आ रहा है. ओके, यहाँ पे हमने ये हटा देना है. ओके, रैप कंपोनेंट इज नॉट ए फंक्शन. यहाँ पे हमें ये कर्ली ब्रेसेस ओमिट करने हैं. ओके, यहाँ पे हमने बटन डॉट जे एस में जो हमें प्रॉप्स मिल रही होंगी वो ऐड कर देनी है कुछ इस तरीके से, प्रॉप्स डॉट स्टाइल. और यह आपके पास दोबारा से स्टाइल्स शो होना शुरू हो गए हैं. डिसेबल प्रॉप को हटा दें, माय बटन टर्न हो जाता है ग्रीन में, वापस डाल दें डिसेबल. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स. बहुत सारी इस तरह की लाइब्रेरीज हैं जिनको हम आगे जाके यूज करेंगे तो उसमें भी हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स यूज होंगे. फॉर एग्जांपल, जब हम रीडक्स को यूज करेंगे तो रीडक्स में भी हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने कंपोनेंट्स को हायर ऑर्डर कंपोनेंट के अंदर रैप करवाएंगे फॉर सर्टेन फंक्शनैलिटीज, क्योंकि हमें वो फंक्शनैलिटीज अपने कंपोनेंट में चाहिए होंगी. सो दैट वाज ऑल फॉर लेक्चर 2. इस लेक्चर में हमने देखा इवेंट हैंडलिंग, कंडीशनल रेंडरिंग, लिफ्टिंग स्टेटअप, एरर बाउंड्रीज, फ्रेगमेंट्स, प्रॉप टाइप्स, हायर ऑर्डर कॉम्पोनेंट्स एंड लाइफ साइकिल मेथड्स. नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए एक फुल फ्लेज एप्लीकेशन बनाएंगे और कुछ न्यू चीजें भी सीखेंगे. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.